इसराइल की कुल आबादी 85 लाख है, जो भारत की राजधानी दिल्ली से भी कम है, लेकिन उसकी प्रति व्यक्ति आय $37,000 से ज़्यादा है, जो भारत से 18 गुना ज़्यादा है। वैश्विक स्तर पर भारत और इसराइल में कोई समानता नहीं है। अर्थव्यवस्था और व्यापार दोनों में इसराइल के विपरीत भारत आत्मनिर्भर है। फिर भी इसराइल के साथ व्यापार रिश्ते बनाने का भारत जोरदार कोशिश कर रहा है और इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भारत दौरे में अभी तक दोनों देशों के बीच 9 करार किए जा चुके हैं। भारत में FDI के रूप में विदेशी निवेश करने में इसराइल विश्व में 45वें स्थान पर आता है। भारत इसराइल के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिर्फ 3-4% का हिस्सा है। अमेरिका जैसे इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों को आर्थिक सहायता देता है, उसी तरह इसराइल को $300 करोड़ से भी ज्यादा की सहायता राशि हर साल देता है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि कैसे इसराइल अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहता है, जबकि भारत खुद बांग्लादेश जैसे देशों को आर्थिक सहायता देता है। भारत की 5 बड़ी कंपनियों टाटा, बिरला, रिलायंस, मारुति और इंडियन ऑयल का बाजार मूल्य इसराइल की पूरी GDP जो कि $318 बिलियन है, उससे ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि इसमें भी इसराइल 32वें पायदान पर आता है। ये आंकड़े भारत के सामने इसराइल के आकार को सामने लाते हैं। इन आंकड़ों के बावजूद भारत पिछले कुछ साल से इसराइल के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बात ट्राइलैटरल ट्रेड की भी हो रही है, जिसमें भारत और इसराइल के अलावा अमेरिका भी हिस्सेदार होगा। इसराइल अमेरिका के साथ व्यापार भी करेगा और उससे आर्थिक सहायता भी लेगा, तो क्यों ना अमेरिका इसराइल को देने वाली सहायता राशि में से इसराइल को व्यापार में हुआ मुनाफा घटा के दे। भारत और इसराइल के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कृषि, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तेल और गैस, फिल्म प्रोडक्शन, हवाई यातायात, सोलर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और होम्योपैथिक दवाइयों आदि क्षेत्रों में अभी तक 9 करार किए जा चुके हैं। लेकिन इसराइल के साथ सबसे बड़ी डील, जिसमें $50 करोड़ की स्पाइक मिसाइल खरीदी जानी थी, उसे रद्द कर दिया गया है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।